हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? और मैं विजय कुशवाहा और आप देख रहे हैं बजरंग बीज भंडार यूट्यूब चैनल। और सभी किसान भाई अलग अलग स्थानों पर अलग अलग फसलें उगाते हैं, जैसे कि मिर्च, टमाटर, बैंगन, लहसुन, प्याज, अदरक, हल्दी, खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज, मटर, सेम, भिंडी, करेला। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग फसलें सभी किसान भाई उगाते हैं। तो जो भी फसलें उगाते हैं उनमें एक कीट की काफ़ी समस्या देखने को मिलती है, जो कि थ्रिप्स है। थ्रिप्स कीट लगभग सभी फसलों में देखने को मिलता है, और थ्रिप्स कीट जब भी फसलों में ये अटैक करता है तो थ्रिप्स कीट के अटैक करने से फसलों की जो पैदावार है वो काफ़ी कम हो जाती है, और हमारे फसल की जो ग्रोथ है वो ग्रोथ बिल्कुल रुक जाती है, और काफ़ी नुकसान हमको फसलों पर देखने को मिलता है। तो जब भी थ्रिप्स कीट का जब फसलों पर अटैक हो तो उसको नियंत्रण करने के लिए हमको कौन कौन से प्रोडक्टों का इस्तेमाल करना चाहिए, कितनी मात्रा में इस्तेमाल करना चाहिए और कब इस्तेमाल करना चाहिए, तो आज हम इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे। तो जो भी लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे खेती से संबंधित नई नई जानकारी आपको यहाँ से मिलती रहे। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि सभी फसलों में थ्रिप्स कीट का अटैक देखने को मिलता है, और जब थ्रिप्स कीट फसलों में अटैक करता है तो फसल की पैदावार जो है वो काफ़ी कम हो जाती है। लगभग 30-40% फसल की पैदावार में नुकसान देखने को मिलता है। तो जब भी हमारी फसलों पर थ्रिप्स कीट का अटैक हो उसको कंट्रोल करने के लिए हमको कौन कौन से प्रोडक्टों का इस्तेमाल करना चाहिए, तो आज हम बात करेंगे केवल टेक्निकल पर, और टेक्निकल के अनुसार हम एक दो प्रोडक्टों के बारे में बताएंगे। आज हम किसी भी प्रॉपर प्रोडक्ट के बारे में नहीं बताएंगे, हम टेक्निकल पर बात करेंगे। तो जब भी हमारी फसल पर थ्रिप्स कीट का अटैक हो तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमको कौन कौन से टेक्निकलों का इस्तेमाल करना चाहिए, तो उनमें जो सबसे पहला टेक्निकल है वो है एसीटामिप्रिड। एसीटामिप्रिड जो कि 20% SP फॉरम में पाया जाता है, उसको आप थ्रिप्स कीट को कंट्रोल करने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। और इसकी जो मात्रा है, इसकी मात्रा फसल की अवस्था पर, फसल के प्रकार पर और मौसम पर भी निर्भर करती है कि इसकी कितनी मात्रा प्रयोग करनी चाहिए। एक एवरेज इसकी मात्रा आप 100 से 150 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं, और यदि आप पानी के हिसाब से इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप 10 से 15 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो एसीटामिप्रिड 20% SP फॉरम में आता है, इसको कृषि रसायन इक्का के नाम से देती है, और भी अलग अलग कंपनियाँ इसको अलग अलग नाम से देती हैं। इसके बाद एक दूसरा भी टेक्निकल है जो कि थायोमेथोक्जाम है। थायोमेथोक्जाम 25% WG फॉरम में आता है, उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको यदि आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको आप 100 से 150 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं, और किसी भी स्टेज पर आप इन प्रोडक्टों का प्रयोग कर सकते हैं। थायोमेथोक्जाम जो कि धानुका कंपनी अरेवा के नाम से देती है, और भी अलग अलग कंपनियाँ अलग अलग नाम से इस टेक्निकल को देती हैं, तो आप थायोमेथोक्जाम 25% WG फॉरम वाले को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद एक तीसरा जो टेक्निकल है वो है पिप्रोनिल, जो कि पिप्रोनिल 5% SC फॉरम में आता है, जिसको हम सस्पेंशन कंसंट्रेट बोलते हैं, जो कि सफ़ेद लिक्विड गाढ़े फॉरम में आता है। तो आप पिप्रोनिल 5% SC वाले को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि इस टेक्निकल को अडामा कंपनी अगाड़ी SC के नाम से देती है, प्रिजम कंपनी इसको सिप्रोनिल के नाम से देती है, GK फर्टिलाइजर कंपनी इसको फिप्रेंट के नाम से देती है, तो अलग अलग कंपनियाँ इस टेक्निकल को अलग अलग नाम से देती हैं। इसकी जो मात्रा है, इसकी मात्रा फसल की अवस्था पर, फसल के प्रकार पर और मौसम पर निर्भर करती है, और कीट के प्रकोप पर भी निर्भर करती है कि इसकी कितनी मात्रा हमको फसलों पर प्रयोग करनी चाहिए। एक एवरेज इसकी मात्रा आप 250 ml से लेकर 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं, और यदि आप पानी के हिसाब से इस्तेमाल कर रहे हैं तो 25 ml से लेकर 40 ml प्रति 15 लीटर पानी में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद एक चौथा टेक्निकल है फिप्रोनिल 80% जो कि ये WG फॉरम में आता है। इस टेक्निकल को बायर कंपनी जंप के नाम से देती है, उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि थ्रिप्स के लिए काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। इसको यदि आप प्रयोग करते हैं तो इसको आप 20 ग्राम से लेकर 30 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं, और यदि आप इसको पानी के हिसाब से इस्तेमाल कर रहे हैं तो 2 ग्राम से लेकर 3 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी में इस्तेमाल कर सकते हैं। और भी एक दो कंपनियाँ इस टेक्निकल को देने लगी हैं। इसके बाद एक पाँचवा टेक्निकल है जो कि बाइफेंथ्रिन है। बाइफेंथ्रिन 10% EC फॉरम में ये टेक्निकल आता है, जैसे कि जर्मन एग्रो कंपनी वंडरफुल के नाम से देती है, प्रिजम क्रॉप साइंस कंपनी इसको साइस्टार के नाम से देती है, तो अलग अलग कंपनियां इस टेक्निकल को अलग अलग नाम से देती हैं।
आप इस टेक्निकल को भी प्रयोग कर सकते हैं। बाइफेंथ्रिन 10% इसी फॉर्म में जो कि आता है, इसको भी आप प्रयोग कर सकते हैं। इसको यदि आप प्रयोग कर रहे हैं तो इसको आप 250 ml से लेकर 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं, और यदि आप पानी के हिसाब से इसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो 25 ml से लेकर 40 ml प्रति 15 लीटर पानी में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इन 5 टेक्निकल को थ्रिप्स कीट को कंट्रोल करने के लिए प्रयोग अपनी फसलों पर कर सकते हैं। पहला एसीटामिप्रेट 20% SP फोरम वाला, दूसरा थायमेथोक्सम 25% WG वाला, तीसरा जो कि फिप्रोनोल 5% SC फोरम में आता है उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, फिप्रोनोल 80% WG फोरम वाले को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और बाइफेंथ्रिन जो कि 10% EC फोरम में आती है इसको भी आप प्रयोग कर सकते हैं थ्रिप्स कीट को कंट्रोल करने के लिए। जो भी हमने आपको ये टेक्निकल बताए हैं, ये टेक्निकल आप सभी फसलों में प्रयोग कर सकते हैं, चाहे सब्जी वाली फसलें हों, चाहे अनाज वाली फसलें हों, चाहे फल वाली फसलें हों, सभी फसलों में आप इन टेक्निकल को प्रयोग कर सकते हैं, और फसल की किसी भी स्टेज पर आप इन टेक्निकल को प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपकी फसल में थ्रिप्स कीट का अटैक है तो आप जो भी हमने आपको ये टेक्निकल बताए हैं इनमें से किसी एक टेक्निकल को आप इस्तेमाल कर सकते हैं और आपकी फसल पर काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो ये रही जानकारी, तो आप देखते रहिए बजरंग बीज भंडार यूट्यूब चैनल, और मिलते रहिए नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय जवान, जय किसान।